Hello dear students, myself Sucheta Rao and I am going to teach you about science chapter number 1, class 6, food, where does it comes from. Let's get started. हम लोग आज के चैप्टर में कौन सी पत्ती सीखने वाले हैं इनको सबसे पहले देख लेते हैं. What we have to learn in this chapter? इस चैप्टर में हम लोग सीखने वाले हैं variety of food. Variety of food मतलब कि अलग अलग प्रकार के food जैसे कि रोटी, rice, fish, potato, ये सब अलग अलग जो foods होते हैं जो भी हम लोग खाते हैं ये कितनी variety के हैं और कहाँ कहाँ से हमें ये मिलते हैं. कहाँ से मिलते हैं वो आ जाएगा हमारा sources of food में से. Sources, sources मतलब जहाँ से हमें ये मिलते हैं, जैसे कि food हमें plants में से मिलते हैं, food हमें animals से भी मिल सकता है. हाँ, जैसे meat खाने वाले लोग होते हैं, मच्छी खाने वाले लोग होते हैं, fish, तो ये सब हमें animals से तो मिलता है. और in fact milk products मतलब जो भी गाय भैंस का जो दूध होता है उसमें से बनने वाले products, जैसे कि घी बनता है, cheese बनता है, ice cream बनता है. Ingredients of food, food मतलब कि खाना. खाना हमें ऐसे ही नहीं मिलता है. हम लोग अगर रोटी खाते हैं तो उसके लिए raw materials लगता है. Raw materials जैसे कि flour, उसके अंदर हम पानी भी डालते हैं, आटा, आटे के अंदर पानी डालते हैं, थोड़ा salt डालते हैं, तो और उसके बाद में उसको हम गूंद कर आटा तैयार करते हैं, उसके बाद में हम उसे हीट देते हैं, हीट देने के बाद वो पक कर रोटी बनती है, तब जाकर हम कहीं उसे खा पाते हैं. तो इंग्रेडिएंट्स, कौन से इंग्रेडिएंट्स, कौन से रॉ मटेरियल से हमारा खाना तैयार होगा उसे हम इंग्रेडिएंट्स ऑफ फूड कहते हैं. व्हाट एनिमल्स ईट, एनिमल्स क्या खाते हैं. इनफैक्ट स्टूडेंट्स हम लोग भी एनिमल्स में ही आते हैं, वो अलग बात है हम सोशल एनिमल कहलाते हैं, लेकिन हमारा एनाटॉमी जो है वो एनिमल्स का ही है. ये चीजें हम लेटर ऑन वीडियोज में डिस्कस करेंगे. चलिए फूड का डेफिनेशन देख लेते हैं कि फूड का मीनिंग क्या होता है. फूड इट इज द बेसिक नेसेसिटी ऑफ ऑल द लिविंग थिंग्स. किसी भी जीवित व्यक्ति का सबसे बेसिक इम्पोर्टेंट जो चीज होती है वो फूड होता है. बिना खाना खाए हम उठ नहीं सकते, चल नहीं सकते, कोई काम नहीं कर सकते, ज्यादा दिन जिंदा भी नहीं रह पाएंगे, क्योंकि फूड हमें एनर्जी देता है. It provides energy to do work, helps in growth of body, repairs worn out cells and gives the body strength to protect itself from diseases. जो food होता है वो हमें इतनी ताकत देता है कि हम कोई काम कर पाते हैं. और इसके अलावा आप लोग सुबह सुबह देखते होंगे कि हर रोज हम लोग सोकर उठते हैं, उसी तरह से हमारे शरीर पे लाखों करोड़ों छोटे छोटे सेल्स होते हैं. वो सेल्स जब हमें चोट लग जाती है या कुछ भी होता है तो ये जो खाना होता है, ये जो फूड होता है, ये हमें इतनी एनर्जी देता है कि वो सेल्स में कोई भी अगर उनको डैमेज हो गया हो तो वो उसको रिपेयर कर देते हैं. और फूड जो होता है, अगर हम लोग अच्छा फूड खाते हैं, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि कोरोना वायरस का कितना खतरा बाहर फैला हुआ है, क्या बताया जा रहा है, ये तो बताया जा रहा है ना कि इम्यूनिटी जिसकी अच्छी होगी उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी. तो इम्यूनिटी के लिए हम क्या खाते हैं, अच्छा हम लोग फ्रूट्स खाते हैं, हम लोग अच्छे वेजिटेबल्स खाते हैं, विटामिन सी हमारा अच्छा होना चाहिए. तो ये सब हमें कहाँ से मिलता है, फूड में से मिलता है, जो हमें डिजीजेस से भी बचाता है. वैरायटी ऑफ फूड, वैरायटी ऑफ फूड जो कि अभी हमने देखा कि हमें इस चैप्टर में ये पढ़ना है कि भाई कौन कौन सी टाइप की वैरायटीज होती है खाने में, कितनी सारी होती है. हम लोग ब्रेड खाते हैं, हम लोग एग खाते हैं, एग से बने हुए आइटम्स खाते हैं, हम लोग चपाती खाते हैं, राइस खाते हैं, दाल खाते हैं. साउथ इंडियन लोग जो होते हैं वो लोग डोसा पसंद करते हैं, इडली पसंद करते हैं. और नॉर्थ इंडियंस जो होते हैं वो लोग सरसों का साग, मक्के की रोटी, व्हीट से बने हुए आइटम्स ज्यादा खाते हैं, क्योंकि वहाँ पे कोस्टल एरियाज ज्यादा नहीं होते हैं तो चावल वगैरह वहाँ पे ज्यादा उगता नहीं है. तो वैरायटी ऑफ फूड के बारे में अब हम पढ़ेंगे. वी ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड लाइक एग, ब्रेड एक्सेट्रा फॉर ब्रेकफास्ट. ब्रेकफास्ट में हम एग, ब्रेड और ऐसी चीजें लेते हैं, राइस, दाल, चपाती, फिश, वेजिटेबल्स एक्सेट्रा. ये जो
रोटी सब्जी दाल चावल ये सब हमारे लंच और डिनर में हम लोग लेते हैं। ईच मील जो खाना होता है जो कंप्लीट बैलेंस डाइट होता है इसे हम मील कहते हैं। ईच मील कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट फूड आइटम्स। ये जो दाल है, ये दाल देखिए ना, दाल नमक मिर्च थोड़ा सा पानी टमाटर प्याज सब कुछ को मिक्स करके बना हुआ है, यानी रॉ मटेरियल को इकट्ठा करके बनाया गया है, तो इसे हम फूड आइटम कहते हैं। हर एक फूड आइटम दाल चावल ये सब आइटम्स से ये सारे आइटम्स मिला के हमने एक कंप्लीट मील बनाया है। पीपल फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स इन इंडिया ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड। हर जगह पर पूरे विश्व में या फिर इनफैक्ट सिर्फ भारत की बात करें तो हर जगह पे लोग बहुत अलग अलग प्रकार का खाना खाना पसंद करते हैं या उनको खाना पड़ता है। जैसे कि जो लोग कोस्टल एरियाज पे रहते हैं तो वो लोग गेहूँ उतना आसानी से उनके लिए अवेलेबल नहीं हो पाता है, तो उन लोगों को फिर राइस खाना पड़ता है, और फिश उनके लिए इजीली अवेलेबल होता है तो फिश खाते हैं। जो लोग नॉर्थन साइड में रहते हैं उनके वहाँ कोस्टल एरियाज नहीं होते तो उनको फिर राइस नहीं मिल पाता इजीली, और वो लोग वीट खाते हैं या फिर वेजिटेबल्स खाते हैं। तो देश में अलग अलग हिस्सों में क्लाइमेट डिपेंड करता है, आपका एरिया डिपेंड करता है, और खुद की चॉइस भी डिपेंड करती है। तो पीपल फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स इन इंडिया ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड। द काइंड ऑफ फूड दे ईट डिपेंड्स ऑन इट्स अवेलेबिलिटी, द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस एंड पर्सनल लाइक्स एंड डिसलाइक्स। इंसान की पर्सनल लाइक्स और डिसलाइक्स भी होती है कि उन्हें किस तरह का खाना पसंद है। किसी को मीठा खाना पसंद होता है, किसी को स्पाइसी खाना पसंद होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आप इतना कॉपी कर लीजिए। स्टूडेंट्स, पीपल हु ईट मीट आर कॉल्ड नॉन वेजिटेरियंस। ये तो आपको पता ही होगा, जो लोग मांस मच्छी ये सब खाते हैं उन्हें हम नॉन वेजिटेरियंस कहते हैं, और जो लोग मांस मच्छी नहीं खाते हैं उन्हें हम वेजिटेरियंस कहते हैं। पीपल हु डू नॉट ईट मीट आर कॉल्ड वेजिटेरियंस। जो लोग रोटी सब्जी चावल और ये सब खाते हैं उन्हें हम वेजिटेरियंस कहते हैं। अगला टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।